डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट टू वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा आइसोमेरिज्म क्या है आइसोमेरिज्म के कितने कैटेगरीज हैं ओके पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है चेन आइसोमेरिज्म क्या है टोटोमेरिज्म क्या है मेटामेरिज्म क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है ओके और आइसोमर्स क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है तो आइजोमेरिज्म के फुल डिटेल्स में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा और मैं आप लोगों को कॉपी में समझाऊंगा डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ ओके तो आइए कॉपी में समझते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट टू वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आप लोगों को आइजोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को आइजोमरिम आइजोमेरिजम के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था तो इस वीडियो में मैं डिटेल्स में आइजोमेरिज्म के बारे में बताऊँगा और आइजोमेरिज्म के कैटेगरीज क्या क्या है ठीक है वो भी बताऊंगा तो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जानना है आइजोमेरिज्म क्या है आइजोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है या फिर बोल सकते हैं एक फिनोमिन है जिसके वजह से दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड के दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड के मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है ठीक है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों कंपाउंड के क्या होंगे डिफरेंट होंगे ठीक है और जिस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है जिस दो कंपाउंड का या दो से ज़्यादा कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है उस कंपाउंड्स को कहेंगे आइजोमर्स और जिस फिनोमिनन के वजह से ऐसा हो रहा है उस फिनोमिनन का नाम है आइजोमेरिज्म आइए डेफिनेशन देख लीजिए टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉन एज आइजोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नॉन एज आइजोमेरिज्म मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसके सेम मोलिकुलर फार्मूला होंगे लेकिन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे और जिस कंपाउंड के सेम मोलिकुलर फॉर्मोना होंगे डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे उन कंपाउंड्स को यानी उस कॉम्पाउंड को कहेंगे आइजोमर्स ठीक है और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है यानी कि जिस फिनोमिनन के वजह से ऐसा हो रहा है उस फिनोमिनन को क्या कहेंगे उस फिनोमिनन को कहेंगे आइजोमेरिज्म ठीक है एंड द फिनोमिन इज नॉन एज आइजोमेरिज्म ओके आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो देखिए ये जो है ये है इथाइल अल्कोहल ये क्या है ये है इथाइल अल्कोहल आइए इसका मोलिकुलर फॉमूला देखते हैं देखिए कार्बन एक है कार्बन दो है यानी एक सी दो सी तो कार्बन टू यानी सी टू हाइड्रोजन तीन तीन दो पांच पांच और एक छाइड्रोजन तो सिक्स ना और ऑक्सीजन एक है तो ओ यहाँ पर तो इसका मोलिकुलर फॉर्मुला क्या हो गया इथाइल अल्कोहल का सी टू एच सिक्स ओ ओके अच्छा ये जो है ये डाई मिथाइल इधर है ठीक है इसका स्ट्रक्चर यहां पर दि, आ, दिया हुआ है देख लीजिए तो यहां पर कार्बन कितना है एक और एक दो कार्बन दो यानी सी टू ओके हाइड्रोजन कितना तीन तीन और तीन छः यानी हाइड्रोजन सिक्स और ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन ओ ऑक्सीजन के लिए ओ है तो ओ यहाँ पर यूज करेंगे एक ही ऑक्सीजन है तो ओ ठीक है तो दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है किस किस का इथाइल अल्कोहल का और डाइमिथाइल इथर का दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ओके लेकिन ये दोनों के जो प्रॉपर्टी है ये दोनों के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये डिफरेंट है ठीक है इथाइल अल्कोहल जो है ये लिक्विड फॉर्म में होंगे और डाई मिथाइल इथर जो है ये गैस फॉर्म में होंगे क्लियर है और इथाइल अल्कोहल के साथ अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा सी एच थ्री सी एच टू आई ठीक है ना यानी कि इथाइल आयोडाइड मिलेगा और अगर हम लोग डाई मिथाइल इथर के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा मिथाइल आयोडाइड ठीक है तो यहां पर हमको ये पता चला कि दोनों के जो है मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल इथर के मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन दोनों के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट है ठीक है देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में ये लिक्विड है और ये गैस फॉर्म में होता है ठीक है और इसको अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करेंगे तो हमको ये मिलेगा और इसको हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करने पर हमको ये मिलेगा ठीक है तो इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ठीक है और इसी प्रॉपर्टी को इसी फिनोमिन को कहेंगे हम लोग क्या आइजोमेरिज्म फिर से एक बार बता देता हूं आइजोमेरिज्म क्या है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसके सेम मोलिकुलर फॉमला होंगे लेकिन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होंगे ठीक है और जिस कंपाउंड का ऐसा होगा उस कंपाउंड को कहेंगे आइजोमर्स और जिसके वजह से जिस फिनोमिनन के वजह से ऐसा हो रहा है उस फिनोमिनन का नाम है आइजोमेरिज्म ओके अब आइए आइजोमरिज्म को जो है कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया देख लेते हैं तो देखिए आइजोमेरिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक का नाम है स्ट्रक्चरल आइजोमेरिज्म ठीक है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइजोमेरिज्म भी कहा जाता है ओके और दूसरा है स्टीरियो आइजोमेरिज्म फिर स्ट्रक्चरल आइजोमेरिज्म को फार्दर डिवाइड किया गया है फार्दर डिविजन इसका इसको छः हिस्सों में डिवाइड किया गया है इसके छः कैटेगरी है ओके चेन आइजोमरिज्म पोजिशन आइजोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइजोमेरिज्म मेटामेरिज्म टोटोमेरिज्म रिंग चेन आइजोमेरिज्म ठीक है स्टीरियो स्टीरियो आइजोमेरिज्म को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक का एक का नाम है या एक है कॉन्फिग्रेशनल आइजोमेरिज्म और एक है कॉन्फिरमेसनल आइजोमेरिज्म कॉन्फिग्रेशनल आइजोमरिज्म को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है यानी कि इसके दो पार्ट है दो कैटेगरी है एक है ज्योमेट्रिकल आइजोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल ओके okay. तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइजोमरिज्म को जो सिक्स हिस्सों में डिवाइड किया गया है हर एक के बारे में पढ़ना है यानी कि चेन आइजोमिज्म के बारे में पढ़ना है पोजिशन आइजोमिज्म के बारे में पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप आइजोमिज्म के बारे में पढ़ना है के बारे में पढ़ना है टोटोमिजम के बारे में पढ़ना है रिंग चेन आइजोमिज्म के बारे में पढ़ना है ओके okay. और ये सब को हम लोग डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज समझ में आए आइए सबसे पहले जानते हैं चेन आइजोमरिज्म तो देखिए चेन आइजोमरिज्म क्या है टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो मेन चेन में डिफरेंट होता है ठीक है एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं देखिए सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री इसका नाम है ब्यूटेन क्या नाम है इसका नाम इसका नाम है ब्यूटेन ओके और सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री देखिए सब्सटीच्यूएंट है ओके और सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री इसका नाम क्या है इसका नाम है टू मिथाइल प्रोपेन ठीक है ऐसा नाम क्यों हुआ तो आप लोगों को पता है मैंने पिछले वीडियो में आई नेमिंग कराना सिखाया था ठीक है इसको अगर नंबरिंग करेंगे नंबरिंग करके देखेंगे तो टू मिथाइल प्रोपेन होगा ठीक है और इसको नई नंबरिंग कंडीशन में चलेगा क्योंकि यहां पर जो है सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम ब्यूटेन होगा क्योंकि चार कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में तो एन लगेगा ब्यूटेन ठीक है तो ये जो ब्यूटेन है और ये जो टू मिथाइल प्रोपेन है ओके यहां पर ध्यान से देखिए मेन चेन में कितने कार्बन है एक दो तीन चार मेन चेन चेन में चार कार्बन है ठीक है और यहां पर मेन चेन चेन में कितने कार्बन है यहां पर मेन चेन में तीन कार्बन है एक दो तीन ठीक है इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे चेन ठीक है चेन आइजोमरिज्म में क्या होगा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे मेन चेन में मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे डिफरेंट यहां पर एक दो तीन चार मेन चेन में चार कार्बन है यहां पर कितने है? एक दो तीन तीन ही है ओके okay. तो मैंने बताया कि यहां पर जो है मोलिकुलर फॉर्मुला सेम होंगे आइए देख लेते हैं कि मोलिकुलर फॉर्मुला सेम है कि नहीं तो देखिए एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन तो C4 होगा हाइड्रोजन तीन तीन दो पाँच पाँच दो सात सात तीन दस यानी हाइड्रोजन टेन है यानी H10 होगा इसका देख लेते हैं एक दो तीन इसको भी पकड़ना चार ठीक है तो चार यानी सी हाइड्रोजन तीन एक चार चार तीन सात सात और तीन दस हाइड्रोजन दस ठीक है तो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों के क्या है सेम है इसका भी और इसका भी ठीक है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो है मेन चेन में डिफरेंट है ठीक है वजह से इसको हम क्या कहेंगे चेन आइए आइजोमिज्म को समझ अब दे तो देखिए पोजिशन हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप सेम मोलिकुलर फॉर्मूला भी होगा सेम फंक्शनल ग्रुप भी होगा बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप के जो पोजिशन होंगे वो डिफरेंट होंगे ओके okay. इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे पोजिशन आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ दे है?

यहाँ पर इसका और इसका दोनों का इसका नाम है प्रोपेन वन ओल इसका नाम है प्रोपेन टू ओल ठीक है तो प्रोपेन वन वन ओल और प्रोपेन टू ओल इसके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है आइए देखते हैं कार्बन एक दो तीन कार्बन तीन इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं थ्री थ्री टू सिक्स सॉरी थ्री टू फाइव फाइव और हाइड्रोजन यहाँ पर टू सेवन सेवन और एट हाइड्रोजन एट और ऑक्सीजन एक है तो यहाँ पर ओ लगेगा ठीक है इसका देखते हैं एक दो तीन तीन ठीक है हाइड्रोजन थ्री थ्री फोर फोर और थ्री सेवन सेवन और वन एट हाइड्रोजन एट ठीक है और ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन एक दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ठीक है लेकिन दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम है देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ओ है यहां पर भी क्या है ओ है लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप यहां पर ओ है यहाँ पर ओ दोनों जो सेम है लेकिन ये डिफरेंट पोजिशन पर है इसी वजह से ये हो गया पोजिशन आइजोमेरिज्म ओके उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा तो पोजिशन क्या है टू और मोर देन टू कंपाउंड सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट ग्रुपीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ओके उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा अब आइए तीन नंबर को समझते हैं तीन नंबर में है फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आइजोम तो देखिए डेफिनेशन देख लीजिए पहले टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे ठीक है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसके मोलिकुलर फार्मूला सेम होंगे लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे इसे हम क्या कहेंगे इसे कहेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइजोमरिज्म देखिए इसका मोलिकुलर फार्मूला पहले देख लेते हैं कार्बन एक कार्बन दो तो C2 हाइड्रोजन तीन तीन दो पाँच पाँच और एक H6 ऑक्सीजन है तो O कार्बन एक कार्बन दो C2 टू हाइड्रोजन तीन 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 ऑक्सीजन एक तो ऑक्सीजन तो देखिए दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला जो है इसका और इसका सेम है ठीक है लेकिन दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है ओ OH. एच देख रहे हैं यानी अल्कोहल और यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है ओ यानी क्या इथर क्या इथर तो फंक्शनल ग्रुप क्या है डिफरेंट है तो इथेनल और डाइमिथाइड इथर ये दोनों के मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे इस, ये, इसी वजह से हम लोग इसको कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइजोमिज्म उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अब आइए जानते हैं कि मेटामेरिज्म क्या है तो डेफिनेशन देखिए टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप यानी कि दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिसके मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होंगे लेकिन कार्बन एटम जो होंगे फंक्शनल ग्रुप के किसी भी साइड के वो डिफरेंट होंगे ओके वो क्या होंगे वो डिफरेंट होंगे ओके आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओस सी सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री ओके इसका नाम है डाई इथाइल इथर और यहाँ पर एक कंपाउंड लिया सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड ओस सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री और यहाँ पर सब्सिट्यूट में लिया सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री इसका नाम है मिथाइल आइजो प्रोपाइल इथर ओके तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है इस कंपाउंड में यहाँ पर है और इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है यहाँ पर है इस कंपाउंड में यहां पर है इस कंपाउंड में यहाँ पर है ओके okay. तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इथर का है दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम हो सकता है ठीक है दोनों दोनों जो है इथर का है लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन देखिए एक दो दो कार्बन है कितने कार्बन है दो कार्बन है ओके okay. और राइट साइड में एक दो फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में भी दो कार्बन है ओके लेकिन इस कंपाउंड में देखिए फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में एक दो तीन कार्बन है कितने कार्बन है तीन हो जाएगा देखिए यहाँ पर एक है तीन है और राइट साइड में कितने हैं एक ही कार्बन है एक ठीक है तो देख रहे हैं आप लोग के फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में तीन कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में तीन कार्बन है और राइट साइड में कितने हैं वन और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में भी टू राइट साइड में भी टू इसी वजह से ये क्या होगा ये होगा मेटामेनिजम ओके क्या होगा मेटामेनिजम तो फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे आइए मोलिकुलर फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ कार्बन एक दो तीन चार कार्बन कितने चार ओके और हाइड्रोजन तीन तीन दो पाँच पाँच दो सात सात तीन दस हाइड्रोजन तेन ओके ऑक्सीजन एक है तो यहाँ पर ओ होगा ऑक्सीजन एक ठीक है कार्बन एक दो तीन एक चार चार कार्बन ठीक है हाइड्रोजन तीन तीन और तीन और एक चार चार और तीन सात सात और तीन दस हाइड्रोजन दस यानी एस टेन ऑक्सीजन कितना एक तो ओ तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला यही है ठीक है यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन लेकिन क्या बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड में किसी भी साइड में किसी भी साइड में नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे डिफरेंट होंगे यहाँ पर दो है लेफ्ट साइड में राइट right साइड में भी दो है लेकिन इधर तीन है इस कंपाउंड में और राइट right साइड में कितना है एक है तो इसका मतलब ये क्या होगा ये दोनों जो है टोटो सॉरी ये दोनों जो है ये दोनों कंपाउंड जो है ये मेटामर्स है और जिस फिनोमिनन के वजह से ऐसा हो रहा है इस फिनोमिनन का नाम है क्या मेटामेरिज्म उम्मीद है कि आप लोगों को मेटामेरिज्म समझ में आ गया होगा अब आइए पाँच नंबर में टोटोमेरिज्म टोटोमेरिज्म आर स्ट्रक्चरल आइजोमेरिज्म जितने भी यहाँ पर अभी आइजोमेरिज्म में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ एक से लेकर चार तक जो पढ़ा दिया हूँ वो सबके सब स्ट्रक्चरल आइजोमरिज्म के, के कैटेगरीज है तो टोटोमेरिज्म भी एक स्ट्रक्चरल आइजोमिज्म की कैटेगरी है तो टोटोमेरिज्म आर स्ट्रक्चरल आइजोमरिज्म ऑफ केमिकल कंपाउंड डेट रेडिली इंटर कन्वर्टेड यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो आ, एटम है वो इंटरकन्वर्टेड होगा ठीक है आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं एटम नहीं बॉन्ड भी इंटरकन्वर्टेड हो जाएगा आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ देखिए सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री इसका नाम है कीटोन इसको शॉर्ट में कीटो भी कहते हैं कहते हैं क्या कहते हैं कीटो ओके ये कंपाउंड देखिए सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ एच यानी कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ओके इसके बाद है डबल बॉन्ड सी एच टू ओके इसका नाम है प्रोपीन टू ऑल ओके और इसका नाम क्या है कीटोन कीटोन को एसीटोन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है एसी टोन ठीक है इसको शॉर्ट में इनॉल कहा जाता है क्या कहा जाता है इनॉल क्यों क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन और फंक्शनल ग्रुप ओ एच है यानी अल्कोहल है तो ऑल इनॉल ओके तो ये कंपाउंड जो है इस कंपाउंड में देखिए ये यहाँ यहा पर डबल बॉन्ड है और इस कंपाउंड में देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पर है यहाँ पर है यानी कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के साथ है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के साथ नहीं है ओके okay, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड है ठीक है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने तीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दो है यानी यहाँ के एक हाइड्रोजन यहाँ चले जाता है देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ चले जाता है ऑक्सीजन के पास ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर जो एटम है वो क्या हो रहा है इंटरकन्वर्टेड हो रहा है हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ चले जा रहे हैं ठीक है और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाता है कार्बन के पास देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था वो यहाँ पर आ गया ठीक है तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है इंटर कन्वर्टेड हो रहा है हाइड्रोजन यहां पर चले जा रहा है और यहां पर जो डबल बॉन्ड थे वो यहां पर आ रहा है ठीक है इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे टोटोमरिज्म कहेंगे तो कीटोन और प्रोपिन टू ऑल जो है या कीटो या इनोल जो है ये दोनों क्या है टोटोमर्स है और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो रहा है उस प्रॉपर्टी को या उस फिनोमिन को हम क्या कहेंगे टोटोमरिज्म तो इसलिए कीटोन और प्रोपेन टू ऑल यानी कि कीटो और इनोल इसको हम लोग कहेंगे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा तो याद रखिएगा कि टोटोमेरिज्म में क्या होगा इंटरकन्वर्टेड होगा ठीक है हाइड्रोजन एटम का अब आइए स्ट्रक्चरल आइजोमेरिज्म के लास्ट कैटेगरी पड़ता है जो कि रिंग चेन आइजोमेरिज्म ओके तो डेफिनेशन देख लीजिए टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट वन हैज एन ओपन चेन वाइल अदर हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब क्या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिसके मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होंगे सेम होंगे ठीक है लेकिन एक जो होंगे एक ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर होंगे और एक होंगे साइकिलिक स्ट्रक्चर ठीक है ना देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिया है इसके जरिए आप लोगों को मैं समझाऊँगा देखिए सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ओके इसका नाम है ऑप वन इन आईपिक नेमिंग में आप लोगों को कराना सिखाया हो ठीक है इसका नाम है साइक्लो प्रोपेन क्या नाम है साइक्लो प्रोपेन क्लियर है तो प्रोप वन इन और साइक्लो प्रोपेन ये दोनों जो है ये दोनों क्या है ये दोनों रिंग चेन आइजोमर्स है ठीक है क्यों क्योंकि दोनों के इस दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूला से में आइए देखते हैं कार्बन एक कार्बन दो कार्बन तीन तो कार्बन हो गया थ्री हाइड्रोजन तीन तीन और एक चार चार दो पाँच चार दो छ सॉरी हाइड्रोजन हो गया सिक्स तो सी थ्री एच सिक्स यहाँ पर देखिए कार्बन एक दो तीन कार्बन तीन हाइड्रोजन दो 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 चार दो छः तो हाइड्रोजन सिक्स दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला जो है सेम है इसके भी मोलिकुलर फॉर्मूला यही है इसके भी मोलिकुलर फॉर्मूला यही है सी थ्री एच सिक्स तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन वन वन हैज एन ओपन चेन ये जो है ओपन चेन है ठीक है ना ये कंपाउंड ओपन चेन में ओपन चेन स्ट्रक्चर में वाइल आदर हैव साइकिल स्ट्रक्चर ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखिए ठीक है ठेके? देखने में शायद आप लोगों को नहीं लग रहा है लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है उतना अच्छा यहाँ पर बना नहीं है तो ये क्या है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है ठीक है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे रिंग चेन आइजोमरिज्म कहेंगे तो ये दोनों प्रॉप वन इन और साइक्लो इन ये दोनों क्या है रिंग चेन आइजोमर आइजोमर्स है और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसे हो रहे हैं या जिस फिनोमिनन की वजह से ऐसा हो रहा है उस फिनोमिनन का नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आइसोमेरिज्म क्या है ये समझाया आइसोमर्स क्या है ये समझाया ठीक है और आइसोमेरिज्म जो है इसके दो कैटेगरी है ब्रॉडली इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है है स्ट्रक्चरल आइजोमेरिज्म एक है स्टीरियो आइजोमेरिज्म ओके स्ट्रक्चरल आइजोमेरिज्म को फिर सिक्स कैटेगरी में डिवाइड किया गया यानी कि स्ट्रक्चरल आइजोमरिज्म के सिक्स पार्ट है और स्टीरियो आइजोमेरिज्म के दो पार्ट है फिर दो में से ये जो कॉन्फिग्रेशनल आइजोमेरिज्म है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है ठीक है तो स्ट्रक्चरल आइजोमेरिज्म के ये सिक्स पार्ट के बारे में हम लोग पढ़े जहाँ पर हम लोग क्या देखें सबका जो है मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है ठीक है मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग क्या देखें डिफरेंट देखें तो स्ट्रक्चरल आइजोमरिज्म अगर पूछा जाए क्या है तो स्ट्रक्चरल आइजोमरिज्म वो आइजोमरिजम्स हैं जिस कॉम जिसमें कॉम्पाउंड के कॉम्पाउंड के मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होंगे मॉलिकुलर फार्मूला सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होंगे डिफरेंट होंगे उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइजोमिज्म ठीक है अगर पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल आइजोमरिज्म क्या है तो हम लोग बोल सकते हैं दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिसके मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होंगे ठीक है और साथ ही साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके डिफरेंट होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे आइजोमर्स और जिस फिनोमिन की वजह से ऐसा हो रहा है उस फिनोमिन का नाम हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइजोमरिज्म ओके और अगर पूछा जाए कि स्टीरियो आइजोमिज्म क्या है तो देखिए दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन साथ साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होंगे यहां पर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होंगे ठीक है लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे डिफरेंट होंगे ठीक है तो जिस कंपाउंड में ऐसा हो रहा है उस कंपाउंड को कहेंगे हम लोग स्टीरियो आइजोमस और जिस फिनमिलन की वजह से ऐसा हो रहा है उस फिन को हम लोग क्या कहेंगे स्टीरियो आइजोम तो हमारे सिलेबस में इसके बारे में तो इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी तो इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट